सिख धर्म इस दुनिया में उस धर्म के नाम से जाना जाता है जो हमेशा दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं, जिनका खौफ मुगलों को भी था। सिख धर्म के योद्धाओं के आगे मुगल सेना भी घुटने टेकती थी। अब तक सिख धर्म में 10 गुरु हुए जिन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। सबने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाए, लेकिन इसमें एक अलग ही जत्था हुआ जिससे लड़ने से बड़े बड़े योद्धा भी पीछे हटते थे। जो युद्ध के मैदान में उतर जाए तो या तो मार कर आते थे या फिर मरकर। ये सिख हैं निहंग। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें निहंगों द्वारा किसानों की सेवा करने की बात सामने आई है। सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले निहंग फिर भी बाकी के लोगों से अलग माने जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है खास निहंग समुदाय में? नीले रंग के कपड़े इन्हें क्यों सबसे अलग बनाते हैं, जिसके कारण इन्हें सिख समुदाय में पूरे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? आज हम निहंगों के बारे में बात करेंगे, साथ ही इन्हें निहंग कहने के पीछे की क्या है कहानी। निहंग समुदाय के अस्तित्व के बारे में कहा जाए तो ये सिखों के 10 गुरुओं के काल से सिख गुरु साहिबानों के प्रहारी हुआ करते थे। इनका मेन मोटिव केवल सिख धर्म की रक्षा करना और सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रक्षा करना था। निहंग शब्द का फारसी मतलब होता है मगरमच्छ। मुगल निहंगों को मगरमच्छ कहा करते थे, क्योंकि जिस तरह से पानी में मगरमच्छ के हमले से बचना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही युद्ध के मैदान में अगर निहंग उतर गए तो दुश्मनों का जिंदा लौटना नामुमकिन होता था। निहंग का एक मतलब निर्भय भी होता है। ये दुनिया की सारी संसारिक मोह माया से दूर होते हैं। धर्म की रक्षा इनके लिए सर्वोपरि है। इसके लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो ये लोग एक बार को नहीं सोचते हैं। अब जानते हैं निहंगों के प्रकार। निहंग 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और एक वो जो गृहस्थ होते हैं। लेकिन ये लोग भी निहंग समुदाय के सभी नियमों का पालन करते हैं। गृहस्थ निहंग जिस तरह से नीले कपड़े पहनते हैं, ठीक वैसे ही उनकी पत्नी और उनके बच्चों को भी पगड़ी और नीले कपड़े पहनने होते हैं। अब जानते हैं कैसा होता है निहंगों का जीवन। निहंग एक तरह से खाना बदोश की तरह जीते हैं। ये कहीं भी एक स्थान पर लंबे समय तक टिक कर नहीं रह सकते। ये रोजाना गुरबानी का पाठ करते हैं, बाणे में रहते हैं। निहंगों को बचपन से शस्त्र विद्या सिखाई जाती है। शस्त्र विद्या के तहत इन्हें 5 चीजें सिखाई जाती है, जिसमें विरोधी पर लपकना, उनके डिफेंस को कमजोर करना, आ रहे अटैक को रोकना, वार करने के लिए सबसे सही जगह चुनना और आखिर में वार करना शामिल है। सिख समुदाय केवल गुरु ग्रंथ साहिब की बताई बातों का अनुसरण करते हैं, लेकिन निहंग गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ और सरब लोक ग्रंथ का भी अनुसरण करते हैं, जिसमें सरब लोक ग्रंथ में वीर रस का उल्लेख है। इसमें शस्त्र विद्या और युद्ध की कला का वर्णन है। ये 3 अलग अलग दल में होते हैं, तरना दल, विधि चंद दल, बुद्धा दल। ये लोग पूरे साल उन जगहों पर घूमते रहते हैं जहां सिख धर्म के गुरुओं के जीवन से जुड़ी कोई बड़ी घटना घटी हो। निहंगों को अकाली भी कहा जाता है। दुनिया की मोह माया से दूर रहने के कारण ही अकाली कहा जाता है। अकाल का मतलब होता है समय से परे, तो वही अकाली का मतलब होता है ईश्वर का सेवक। अब जानते हैं निहंगों के पहनावे को लेकर क्या है कहानी। निहंग बाकी के सिख समुदाय के लोगों से बिल्कुल अलग वेशभूषा में रहते हैं। ये लोग नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इनकी पगड़ी बाकी के सिखों की पगड़ी से थोड़ी बड़ी होती है। ये पहनावा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के समय से चली आ रही है। दरअसल एक कहानी के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपने पिता की तरह ही निडर, साहसी और धर्म परायण थे। ये उस वक्त की बात है जब अजीत सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह युद्ध कला का प्रशिक्षण कर रहे थे, लेकिन फतेह सिंह काफी छोटे थे, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण करने नहीं दिया जा रहा था। भाइयों ने ये कहकर फतेह सिंह को प्रशिक्षण देने से इनकार कर दिया कि वो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन फतेह सिंह भी जिद्दी ठहरे। उन्होंने नीले रंग का चोला पहना,
अपने सर पर करीब 10 गज का दुमाला यानी कि पग बांधी, पगड़ी में गोल चक्र लगाया, एक हाथ में कृपाण ली और एक हाथ में भाला। इस वेशभूषा के साथ वो अपने भाइयों के पास गए और कहा कि अब वो छोटे नहीं हैं। उन्होंने जिस निडरता के साथ अपने उस लुक में कृपाण उठाकर अपने भाइयों को चुनौती दी थी, वो अंदाज ही निहंगों ने अपना लिया और आज के समय में निहंग उनकी तरह ही लिबास पहनते हैं। मुगलों के काल में निहंग सबसे खतरनाक सैन्य दल में गिने जाते थे, जिनके जंग के मैदान में उतरने मात्र से दुश्मन भाग खड़े होते थे। आप देख रहे हैं निडरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।